हुसैन साहब के साथ उन्होंने काम किया है और अब केटीआर साहब सदर बने हैं तो उनकी क्यादत कैसी रहेगी आइए हमसे बात करते हैं। जैसे साहब ने आज नौजवान खायद कल्लोकुंडला तारक रामा राव साहब को कारगुजार सदर वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए हैं, हम इसका खैर मुकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं अपने नए कारगुजार सदर का और हम पुरउम्मीद हैं आपकी कारकर्दगी से। आप 2009 में सिलसिला की नुमाइंदगी करते हुए अपनी खायदाना सलाहियत को असम्बली में और अपने इलाके सिलसिला की तरक्की देने के लिए आपने कहीं नुमाएँ कारनामे अंजाम दिए। उसके बाद जब आप 2014 में जब अलग तेलंगाना रियासत कायम हुई, आपने इंडस्ट्रियल मिनिस्टर के ज़रिए और आईटी हब के ज़रिए आपने जिस तरह के टी हब का जिसका क़याम आपने किया, इंटरप्रेनर्स के लिए प्लेटफॉर्म आपने दिया जहाँ पे नए कारोबार शुरू करने वाले बिजनेसमैन के लिए यहाँ पे उनका अपना बेस हो जो अपनी इंटरप्रेनरशिप यहाँ से वो अपने डेमो के ज़रिए स्टार्ट कर सकते हैं। उसके तरक्की के ज़रिए उन्होंने तेलंगाना को तरक्की देने की जो कारकर्दगी उन्होंने इसका दिया है, इन तमाम चीज़ों को आपके एक्सपीरियंस को, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, आपके डायलॉग डिलीवरी कम्युनिकेशन स्किल्स को, आप जो लैंग्वेजेस में जो आपका उबूर है और जिस तरह के आप इन्वायरमेंट में जो है ना मर्ज हो जाते हैं और आप हर तरह के मतलब निचली सतह से लेके आला मुकाम तक के माहौल में अपने आप को जो फिट कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ों ने हम जो जिस तरह से हमने महसूस किया है पिछले अरसे में, इसके साथ हम हवी उम्मीद रखते हैं कि तेलंगाना बॉडी के अंदर जो KCR साहब की गुनाहों मसरूफियात की वजह से जो 4.5 साल में जो तेलंगाना पार्टी के अंदर TRS तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की जो कमियां हो गई थी वो इंशाल्लाह KTR साहब की कारकर्दगी में वो खामियों को पुर करते हुए, उन कमियों को पुर करते हुए एक नया जोश, एक नया वलवला, एक नई क़यादत और नौजवान होने की वजह से वो आप ज़्यादा से ज़्यादा विजनरी आप रखते हैं, आप विजनर लीडर हैं, क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं, आप इन्वायरमेंटल हैं, ये तमाम खूबियाँ आपके अंदर हैं। अल्लाह ताला ने आपको बहुत ही मतलब अखलाक के साथ आपको आपकी तरबियत दी गई है, आप उम्र में कम होने के बावजूद भी आप अपने बड़ों का बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ आप माहौल में आप उनके साथ मुलाकात करते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है, इसके लिए हर वो चीज़ गवाह है। मैं इन तमाम उम्मीदों के साथ KTR साहब को इस कारकर्द सदर बनाने के लिए आपका इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं इस तरह के एशिया में दुनिया में फार्मास्यूटिकल और आईटी जो प्रोडक्टिविटी है, फोर्थ जनरेशन की जो प्रोडक्टिविटी है उसका फार्मा हब, इंडस्ट्रियल हब, टेक्सटाइल हब तेलंगाना में जिसका शुरुआत की जा रही है और आईटी हब को ऑलरेडी आपने जिस तरह से फ़रोग दिया है, इंशाल्लाह हमारे ज़राए वसाइल बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी, सोर्सेज बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे और पार्टी भी आपकी ज़ैर निगरानी तरक्की करेगी और तमाम पार्टी के तमाम कौमों के साथ आप यज्ञा आप उनके साथ बहुत ही आप उनके साथ मिल के काम करने की हम बहुत हवी उम्मीद के साथ आपको कल्बा कुंडल तारक रामा साहब को मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास करके चंद्रशेखर राव साहब चीफ मिनिस्टर का मैं मशहूर। नाज़रीन, सियासी और मज़हबी ख़बरों के लिए सब्सक्राइब करें अपना यूट्यूब चैनल।